राम कृष्ण दोनों ही आत्माएं पक्के पक्के ईश्वरीय सेवाधारी हैं या नहीं है? शरीर रूपी धनुष को उन्होंने शिव का धनुष बना दिया कि नहीं बनाया? दधी चिरी से मिसल हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाई या नहीं लगाई? लगाई। इसलिए सेवक राम तो दोनों साबित होते हैं। क्या कैसे राम? सेवा करने वाले राम। अब सवाल है दोनों में अव्वल नंबर का फेलियर किसे कहेंगे? क्योंकि फेल होने वाले पहले राम बनते हैं। बताओ रामबाली याद में पहले फेल हुई फाइनल पेपर में? आदि में फेल हो गई है, आदि नहीं। ऐसे कौन से पुरुषार्थी हैं जो छोटे मोटे एग्जाम में शुरुआत में फेल नहीं होते हैं? माया किसी को छोड़ती है? कोई को नहीं छोड़ती। तो पहले पहले एग्जाम में जो फेल हो गए वो ज्यादा अनुभवी बनते हैं या कम अनुभवी बनते हैं? ज्यादा अनुभवी बने। और फाइनल पेपर में जो फेल हो जाए है तो फेल। उसी समय इतना ज्ञान नहीं है। कुछ भी हो ज्ञान लेना न लेना आत्मा का काम है, कोई कारण नहीं दे सकते। तो मूल बात है फेल किसको माना जाए दोनों के बीच में? जो फाइनल में फेल हो जाएगा वो फेल। तो कौन हुआ दोनों के बीच में फाइनल में? कौन पे फेल हुआ देह का पुरुषार्थ करते करते कौन फेल हुआ? फेल हुए। तो जो फेल हुए वो ही चंद्रवंशी के मूल बनेंगे, चंद्रवंशी पहले बनेंगे या बीच में बनेंगे? है सूर्यवंश के बाद बने। हाँ, सूर्यवंश का अंतिम जो साहूकार बनेगा वो ब्रह्मा वाली आत्मा बनती है, क्योंकि उसने ही अपना सारा धन ईश्वरीय सेवा में और तन भी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाई। तो उसका प्रतिफल उसको मिलता है। कहाँ मिलता है? चढ़ती कला में मिलता है या उतरती कला में मिलता है? है हाँ, सतयुग में भी उतरती कला में जन्म लेता है या त्रेता में भी उतरती कला में जन्म लेता है या चढ़ती कला में जन्म लेता है? उतरती कला में जन्म। माने राम वाली आत्मा जो अंतिम नारायण से बादशाही ले लेगी कर्जे में, वो राम वाली आत्मा किसी साहूकार का बच्चा होगी या नहीं होगी? है वो कौन साहूकार है? कौन साहूकार है? मैं तेरा बच्चा तू मेरा बच्चा, मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, ब्रह्मा का बच्चा। बस वही आत्मा है। त्रेता के अंत में नहीं, त्रेता के आदि में सतयुग के अंत में राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा जिस घर में जन्म लेती है वो परिवार राधा कृष्ण वाली आत्मा माने दादा लेखराज ओम राधे वाली आत्माओं का ही होता है। जिन साहूकारों के यहाँ जन्म लेकर के वो ऐसे बड़े साहूकार बनते हैं कि आखिरी नारायण की सारी राजाई कर्जे में राम को देनी पड़ती है। तो फाउंडर कौन हुआ राम के राज्य का? ब्रह्मा बाबा। दोनों हुए, इसलिए चंद्रवंश कहा जाता है। राम वाली आत्मा को चंद्रवंशी कहते हैं या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी कहते हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा वो हीरोइन का पार्ट बजाती है, बाप का पार्ट नहीं। और वो त्रेता में जाकर के
राम वाली आत्मा का भी पिता बनती है और चंद्रवंश की शुरुआत हो जाती है। चंद्रवंश की शुरुआत चंद्रमा वाली आत्मा से होनी चाहिए या ज्ञानसूरी का पाठ बजाने वाली आत्मा से होना चाहिए? चंद्रमा वाली आत्मा से होना चाहिए। तो चंद्रमा वाली आत्मा आठवें जन्म में सतयुग में जो सातवें नारायण का राज्य होता है विधर्मी का आर्य समाजी वाले का, उसके राज्य में बड़े ते बड़ा साहूकार बनती है। उस साहूकार के बच्चे के रूप में राम सीता वाली आत्माओं का जन्म होता है। क्या? सीता वाली आत्मा राम बनती है और राम वाली आत्मा सीता बन जाती है। हिसाब लगा के देख लो, संगम से लेकर के और सतयुग के आखिरी जन्म तक, संगम के आदि में नर से नारायण पुरुष, पुरुष के बाद स्त्री, इसके बाद पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, फिर पुरुष